धरती के 450 करोड़ वर्षों के इतिहास में इसने हजारों उल्कापिंडों के आघात को झेला है। भारतवर्ष में भी ऐसे विशाल उल्कापिंडों के क्रेटर आज भी मिलते हैं। ऐसे ही चार विनाशकारी उल्कापिंडों के क्रेटर को आज हम देखेंगे। चौथे स्थान पर है सबसे छोटा क्रेटर लूना। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है। सिर्फ 2 मीटर गहरा यह क्रेटर 1200 मीटर चौड़ा है। 6900 वर्ष पूर्व एक विशाल उल्का पिंड के आघात से इसका निर्माण हुआ। शायद वह उल्का धरती से टकराने से पहले ही फट गया, इसलिए यह इतना उथला है। कच्छ में और भी छोटे उल्का पिंड इसी समय पर गिरे थे, जिससे यह अंदाजा लगता है कि उस समय उल्का पिंडों की बारिश हुई होगी। तीसरे स्थान पर है लोनार। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित यह क्रेटर 1800 मीटर चौड़ा है और करीब 150 मीटर गहरा है। आज के समय में इसे एक झील के रूप में देखा जा सकता है। आज से करीब 5 लाख साल पहले लगभग 100 मीटर चौड़े और 20 लाख टन वजन के उल्कापिंड के डेक्कन पठार से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ। इस क्रेटर के रिम की ऊंचाई औसतन 150 मीटर है और इसकी गहराई 290 मीटर है। दूसरे स्थान पर है रामगढ़ क्रेटर। राजस्थान के बारा जिले में स्थित यह क्रेटर करीब 3500 मीटर चौड़ा है। करीब 50 करोड़ साल पहले 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 मीटर चौड़े उल्का के टकराने से इस विशाल क्रेटर का निर्माण हुआ। इस क्रेटर की रिम 150 मीटर ऊंची है और इसकी गहराई 200 मीटर है। कोटा के पठार पर स्थित इस क्रेटर को भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। पहले स्थान पर है ढाला क्रेटर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित यह क्रेटर भारत का सबसे विशाल एवं सबसे प्राचीन क्रेटर है। इस क्रेटर के मध्य में एक उभार है जो कि 100 मीटर ऊंचा है और 3000 मीटर चौड़ा है। इस क्रेटर की कुल चौड़ाई 11 किलोमीटर है। करीब 240 करोड़ साल पहले 1 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्का पिंड 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां टकराया था। यह आघात इतना ज्यादा तेज था कि इस क्रेटर के मध्य की धरती 100 मीटर तक उठ गई। यह भारत का पहला एवं दुनिया का सातवां सबसे विशाल क्रेटर है।